जा भोलेनाथ। ए भोलेनाथ, तुम्हारा दिया सब कुछ है, गाड़ी बंगला पैसा छोरा सब कुछ, अपने इस दास पर ऐसी कृपा बनाए रखो भोलेनाथ। हर हर महादेव। शिव 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 शिव। हे भगवान, तुम जिसको जितना ही देते हो ना, वो उतना ही नीच हो जाता है, पर हम नीच नहीं है ना। कल 4,000 रुपये कमाए आपकी मदद से। 2,000 रुपया जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, कल मैंने तेरी कृपा से 5,000 रुपये कमाए और ये मैं तुम्हें सारे समर्पित करता हूं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, ई लीजिए, हम सारा का सारा करते हूं। वाह, जब तक आप जैसे लोग जीवित है ना, इस मंदिर की मर्यादा ऐसे ही बनी रहेगी। शाबाश। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भैया, हमारा हिस्सा 500 रुपया। हाँ तो हम कितना बोले तुमको देने को? 500 रुपया। हाँ तो दिए ना 500। और भैया, हम जो उधर 5,000 चढ़ाए वो? हाँ तो किसको चढ़ाए थे तुम? भगवान को चढ़ाए थे। तो जाके भगवान से मांगो। ठीक है। ए सुनो। हाँ भैया, ये तो, अरे जब भगवान से 5,000 मांगने जा ही रहे हो तो 500 रुपये और मांग लेना, भगवान के पास पैसा कमी है। चलो। अरे भैया रुको। ये क्या कर रहे हो भैया? अबे कोशिश। जानते हो आप इनको? काहे, तुम जानते हो? बहुत अच्छे से। हाँ तो क्या बता रहे थे तुम, कहा नाम है उनका? मधु वाजपेयी नाम है इनका। बहुत बड़े घर की बेटी है, बहुत है सुशील, बहुत है संस्कारी और सुंदर, वो तो आप देख ही लिए ना। मतलब मिसिस बबलू पांडे बनने के लिए एकदम परफेक्ट कन्या है? नहीं, 100% परफेक्ट। बस भैया एक ही अड़चन है। का? क्या भैया, गांठ फट गई है हमारी? हाँ, इस बार फट गई। ये कौन है बे? रमाकांत वाजपेयी, मधु के बड़े भैया और इस शहर के सबसे बड़े बदमाश हैं। 99 हत्या कर चुके हैं। और भैया सौवा। क्या बात कर रहे हो भैया? इट्स अ प्रैंक, बिजनेसमैन। बहुत पैसा है इनके पास, बहुत बड़ा कारोबार है। और भैया धोखा हुआ, हमको प्यार हो गया मधु से। तो फिर भैया आपकी मौत पक्की। तुम दिक्कत ना मानो, हम मधु बनेगी तुम्हारी भौजाई। चलो यहाँ से। अरे सोनू शुक्ला, मधु ये है सोनू शुक्ला, हमारे परम मित्र और इस पूरी मंदिर के इकलौते केयर टेकर भी। और सोनू शुक्ला ये है मधु, तुम्हारी होने वाली भाभी। मधु आप भोलेनाथ के दर्शन करिए, तब तक हम कुछ वार्तालाप करते हैं अपने मित्र से। तब सोनू शुक्ला बोले थे ना
मधु ही बनेगी तुम्हारी भौजाई। लेकिन भैया ये सब हुआ कैसे? अभी बताते हैं, चलो फ्लैशबैक में। पिछले महीने का जो बिल था ना वो 10,500, इस महीने का। नमस्ते भैया। अरे आप? अरे अरे अरे, हम अपना परिचय खुद देते हैं। हमारा नाम है बबलू पांडे और हम हैं आपके होने वाले जीजा। क्या बकवास है? बकवास क्या है, प्यार करते हैं मधु से, शादी करना चाहते हैं। मधु, मधु आ गई। क्या बकवास कर रहे है, क्या तुम इसे जानती हो? अरे भैया, मधु कैसे जानेंगी, उनको भी तो आज ही पता चला है कि हम उसे प्यार करते हैं। और आप दिक्कत ना मानिए, आप तो बस शादी की तैयारियां करिए, जल्दी आएंगे अपनी मधु को ले जाने। तब तक हमारी मधु का ख्याल रखिएगा। चलिए चलते हैं। प्रणाम भाई साहब। एक बात बोले, लड़के में दम तो है। ना हम तुमसे कभी मिले ना कभी देखा, और अगर हमारे भैया तुम्हें कुछ कर देते तो डर नहीं लगता है क्या उनसे? तुम्हारे लिए ना वो चंद्रमा भी ना बेघर होके आसमान से लड़ जाए, फिर हम तो बबलू पांडे हैं। और हाँ, हमें खुशी है इस बात की कि तुम्हें हमारी फिक्र है। चलते हैं। भैया, अब तो हमको आपकी मौत और करीब नजर आ रही है। पर तुम तो बस अब इंतजाम करो। कौन सी लकड़ी का, चंदन की या आम की? बैंड बाजा की। कहे कि अब बबलू पांडे चढ़ेंगे घोड़ी और तुम चढ़ोगे। हैं? हाँ, चलो मिलते हैं। बबलू इतना बुरा लड़का नहीं है, हम प्यार करते हैं उससे, आप एक बार उससे मिल लीजिए। ओके, तुम अभी सो जाओ। अरे बबलू पांडे कॉलर है बे, आराम से। चलो माफ की। और भैया जी कैसे हैं, काहे बुलाया हमको? मुझे पता है कि तू मेरी बहन के पीछे क्यों है। है? कितने पैसे चाहिए तुझे? अरे वाह, क्या सही पहचाने आप हमको। आप जब आप पहचानी गए तो बता दीजिए आप का कीमत देंगे हमको। 2 लाख। 2 लाख? बेबी जी का कीमत कम से कम 2 करोड़ तो होना चाहिए। ये आदमी हमको शुरू से बहुत पसंद है। दिया। आज के बाद मधु को भूल जाना। कौन मधु, हम तो किसी मधु को जानते भी नहीं। शुक्रिया भैया जी, चले चलते हैं। नमस्ते। अरे 2 करोड़।
चुरा के दिल मेरा गोरिया चली उड़ा के का है भैया मधु मर गई का बात कर रहे हो चलो भैया अच्छा प्रैंक तुम्हारे प्रैंक तो अच्छा छोड़ो ये लो पूरे गांव में भंडारा हो जाना चाहिए एक भी घर ना बचे कहा है कि बबलू पांडे के पास बहुत पैसा है और भैया हमारे मोपेड के पैसे अरे बुलेट लो बे ठीक जाओ 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 उड़ा के निंदिया कहाँ जा रही हो भैया वो मैं बबलू से मिलने जा रही हूँ वो एक नंबर का ना फ्रॉड इंसान है धोखा दे रहा है तुम्हें वो कल ही ना उसने मुझसे 2 करोड़ रुपए लिए तुम्हें भुलाने के लिए और अपने भाई की बातों पे यकीन नहीं आता ना तो जाके खुद पूछ लो उससे कहो मधु इतनी उदास कहाँ लग रही हो बबलू सच सच बताओ तुम हमारे घर आए थे हाँ आए थे इसका मतलब भैया सही थे तुमने हमारे प्यार को 1 करोड़ में बेच दिया 2 करोड़ आज की बात ना हमें मिलने की कोशिश मत करना अपनी शक्ल भी मत दिखाना हमें मधु अब हमारी बात भी सुन लो हाँ गए थे तुम्हारे भैया के घर और उन्होंने हमें 2 करोड़ रुपए भी ऑफर किया था लेकिन हम वो पैसा नहीं लिए कहें कि प्यार करते हैं तुमसे और फिर भी हम पे भरोसा नहीं है ना तो चली जाओ और भूल जाना कि कोई प्यार करता था तुमसे ए, ए मधु तुम कहाँ जा रही हो तुम नहीं तो तुमसे प्यार करते हैं मधु हम काहे लेंगे पैसा हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है हमारे भैया क्यों झूठ बोलेंगे काहे नहीं बोलेंगे काहे कि वो नहीं चाहते ना कि हम दोनों साथ रहें तुम बहुत भोली हो मधु छोड़ो चलो तुमको नारियल पानी पिलाते चलो आ गई तुम हाँ। पता तो लग गया होगा कि तुम्हारा बबलू कितना बड़ा धोखेबाज है पता तो मुझे सब लग गया है कौन धोखेबाज है और कौन नहीं और आज के बाद मेरे और बबलू के बीच में आने की कोशिश भी मत कीजिएगा आप धोखेबाज साला तब भैया जी कैसी रही ए बबलू एक बात बताओ हमको हाँ बोलो तुम पहले यहाँ आए थे हाँ आए थे तुमने भाई जी से 2 करोड़ रुपए लिए थे बेबी को भूलने के लिए हाँ तो बेबी को काहे झूठ बोले कि तुमने कोनो पैसा नहीं लिया अरे हम कहाँ बोले हम आपसे पैसा लिए थे तो हम बेबी को भूल गए अब मधु हमको फिर से याद दिला दी तो हमारा क्या गलती है बताइए ओहो भाई साहब इसकी तो कोनो गलती है ही नहीं हमने इसको पैसा दिया 2 करोड़ बेबी को भूलने के लिए हम तो अपनी बेबी को पैसे ही देने भूल गए इसको भूलने के लिए मुझे ना डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करियो वरना ना जान से मार दूंगा समझा भैया बबलू पांडे कॉलर है इस्त्री खराब कर दिया आप वो कहा है ना भैया जब हम पैदा हुए थे ना तो भगवान भी हमको बोल के भेजा था कि बबलू पांडे जाओ तुमको ना मारने वाला पैदा नहीं होगा पर आपको अगर ट्राई करना है ना तो कर लीजिए ठीक है चलते हैं प्रणाम ओह अगली बार बबलू पांडे कॉलर पर हाथ मत रखना ठीक है भाई साहब लड़का बहुत ही हरामी है हम तो कहते हैं करा दीजिए शादी देख मुझे पता है तू बहुत बड़ा कमीना है लास्ट वार्निंग दे रहा हूं ये ले ब्लैंक चेक और जो अमाउंट भरना है भर ले और इस बार ना मधु की जिंदगी से नहीं इस शहर से ही बहुत दूर चला जाइए ये उठा ले
उठा लेते हैं। भैया हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं, एक मिनट। भैया ये कुछ पैसे हैं, हमारी जिंदगी भर की कमाई जो हमने हमारे और मधु की खुशी के लिए बचा के रखे थे, और ये ब्लैंक चेक, ये सब आप रख लीजिए, बस हमें हमारी मधु वापस कर दीजिए, हमें हमारी मधु वापस कर दीजिए भैया। बबलू कोई जरूरत नहीं इस आदमी के सामने गिड़गिड़ाने की। मधु सुनो मेरी बात सुनो, ये आदमी तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। भैया आपको पता है मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या थी, कि आप ही वो हो जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन आप तो सबसे बड़े धोखेबाज निकले। चलो बबलू यहाँ से, और ये पैसे कि तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मेरी बात सुनो मधु, मधु सुनो। भाई साहब एक बात बोले, बबलू ना मधु को बहुत खुश रखेगा। पूछो क्यों? पूछो वो का है ना, वो जो ब्लैंक चेक था ना, वो भी साथ ले गया है। ओ अरे रोको भाई उसे कहीं, अरे रोको भाई मेरी जिंदगी भर की कमाई ले गया, मेरी बहन भी ले गया, अरे रोको भाई से, अरे रोको भाई, ए भगवान कैसे कमीने से मिलवाया तूने, सब ले गया भाई, रोक ले, अरे रोक ले, तनख्वाह से देता तुझे मैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मधु वहां खड़ी थी, हमको कैसे पता लगा? अरे भैया हिंदी पिक्चर हम भी बहुत देखे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट्स करके बताइए, और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी दबा देना, और कर लो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो, ताकि हमारे जितने भी BTS हैं आप इंस्टाग्राम पे देख सके। लव यू गाइस, बाय बाय।